सब्सक्राइब कीजिए वैदिक ज्योतिष चैनल को और साथ ही बेल आइकन भी दबा दी ताकि नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जय संतोषी माँ। दोस्तों स्वागत है आपका वैदिक ज्योतिष में। जानते हैं आज क्या कहती है आपकी राशियाँ, कैसा रहेगा आपका दिन। शुरुआत करते हैं आज के सुविचार से। इंसान की भावनाएं कोई खिलौने नहीं है जिनसे आप खेलें। आप उनसे खेलकर कदाचित जीत सकती हैं, परंतु हराकर उस व्यक्ति को खोने जा रहे हैं जो सदैव आपका ही था। बर्फ से किसी ने पूछा कि आप इतने ठंडे क्यों हो। बर्फ ने बड़ा अच्छा जवाब दिया कि अतीत भी मेरा पानी और भविष्य भी मेरा पानी, फिर किस बात पे गर्मी रखूं। समझदार व्यक्ति वह नहीं जो ईंट का जवाब पत्थर से दे, समझदार व्यक्ति तो वो है जो फेंकी हुई ईंट से अपना आशियाना बना ली। आज का पंचांग 1 मार्च 2021 दिन सोमवार, फागुन मास के कृष्ण पक्ष की द्वितीय तिथि सुबह 8:35 तक रहेगी। इसके उपरांत तृतीय तिथि प्रारंभ हो जाएगी। उत्तर फाल्गुनी नामक नक्षत्र सुबह 7:36 तक रहेगी। इसके उपरांत हस्त नामक नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगी। आज का राहु काल अर्थात दिन का सबसे अशुभ समय सुबह 8:19 से 9:45 तक रहेगा। आज का अभिजीत मुहूर्त अर्थात दिन का सबसे शुभ समय दोपहर 12:16 से 1:02 तक रहेगा। आज चंद्रमा कन्या राशि पर संचार करेगी और आज सूर्य कुंभ राशि पर रहेंगे। मेरा से 1 मार्च 2021 दिन सोमवार, कानूनी मामले अभी क्षितिज पर होंगे। आपको किसी यात्रा या विदेश यात्रा पर जाने का मौका मिल सकता है। आपके पिता या पिता जैसा कोई आपके जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। नए व्यवसाय या आध्यात्मिक खोज के माध्यम से खुद को चुनौती दें। एक अध्यापक आपको अच्छे भविष्य को खोजने में मदद करेगा। जीवन उन लोगों के लिए एक उत्सव है जो इसे सही से जीते हैं। आज प्रियजनों के साथ समय बिताने से सारा समय वहीं केंद्रित रहेगा। आप जानते हैं कि आपके पास दूसरों से राय लेने की क्षमता है जो आपके जीवन में आए मुश्किलों को दूर करेगी। जिस नज़र से आप दुनिया को देखेंगे, दुनिया आपको वैसे ही दिखेगी। ज्ञानवर्धक समय है, कार्यों को बहुत ही प्रभावशाली और शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न करेंगे। आपकी संवेदनशीलता व्यवस्था को उचित बनाकर रखेगी। विद्यार्थियों का भी अपनी पढ़ाई में पूरा ध्यान रहेगा। आपके मन के विरुद्ध कुछ निर्णय आज आपको लेने होंगे, लेकिन आप परिस्थिति से हार मान रहे हैं। ऐसा सोचना गलत होगा। कुछ बातें आपके लिए कितनी फायदेमंद है यह तुरंत भले ही नजर ना आए, लेकिन इसका फायदा आपको भविष्य में ही दिखेगा। विदेश में रहने वाले के लिए नए अवसर की प्राप्ति हो सकती है। करीबी व्यक्ति के आपके प्रति बढ़ती रुचि और आकर्षण समझने में आपको देर लग सकती है। सावधानियां: सामाजिक व राजनीतिक कार्यों से कुछ दूरी बनाकर रखें। किसी प्रकार की बदनामी आपके सिर पड़ सकती है। इस समय कहीं भी निवेश ना करें क्योंकि मनोनुकूल परिणाम नहीं मिलेंगे। बात करते हैं लव लाइफ की। दांपत्य जीवन में मधुरता बनी रहेगी। किसी प्रिय व्यक्ति के अचानक मिलने से खुशनुमा यादें ताजा होगी। पिता या पिता जैसे किसी व्यक्ति के साथ धर्म स्थान या लघु यात्रा का संकेत है। नए संबंध बनने के भी योग हैं क्योंकि कोई खास आपकी ओर आकर्षित है। एक गुलाब का फूल या चॉकलेट आपके प्यार के मिठास को भी बढ़ा देंगे, जिससे आप नई पलों का अच्छा उपयोग कर पाएंगे। आज आप बच्चों और रिश्तेदारों के साथ समय बिताने में दिलचस्पी रखेंगे। आपके पास सही क्षमता है और सही समय पर सही सलाह आपको सही राह दिखा सकती है। अपने साथी के साथ बेहतरीन समय बिताएं। बात करते हैं करियर की। अच्छा, आपके अपने माली के बड़े अधिकारी के साथ लंबी दूरी की यात्रा के योग है। यह यात्रा आपके लिए अच्छे भाग्य का प्रतीक है और आपके रिश्तों के अनुसार जल्दी ही कोई बड़ी
सफलता आपके कदम चूमेगी। अपने कीमती सामान का ध्यान रखें, हानि होने की संभावना है। सही परिस्थितियों और मानसिकता वाले लोगों के लिए जीवन का हर दिन एक जश्न के समान है। आज आपके प्रियजन आपका ध्यान अपनी ओर आकर्षित करेंगे। आप किसी भी कार्य के लिए पूरी तरह से सक्षम हैं। अच्छे मौके पाने के लिए अपनी आंखों और कानों को खुला रखें। लोगों से मिले जुले अपने संपर्कों को टूटने ना दें। बात करते हैं सेहत की। आज घुटनों और जोड़ों की परेशानी से बचकर रहें। आप नियमित रूप से खेलें और जिम करें। अपने जोड़ों के बारे में सोचें और थोड़ा ध्यान दें। आज आप काफ़ी अच्छा महसूस करेंगे और नियमित रूप से जिम जाएं। आज का उपाय, आज आप शिवलिंग पर मिश्री चढ़ाएं, शुभ रहेगा। दोस्तों, वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। जीवन में हमेशा सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ते रहें। आपका दिन शुभ हो।